छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में लोहा चोरी पर लगाम लगाने की गई बड़ी कार्यवाही। किरंदुल कबाड़ी एस कुमार तथा पिकअप वाहन चालक मनोज तेलाम के विरुद्ध किरंदुल पुलिस ने की कार्यवाही। पिकअप वाहन क्रमांक CG18L8087 सहित लोहा स्क्रैप की गई जब्त। थाना किरंदुल क्षेत्र में लोहा चोरी की घटना पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स श्री स्मृतिक राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर के वर्मन के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस किरंदुल श्री कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू द्वारा समय समय पर लोहा चोरी करने वालों पर कार्यवाही की जाती रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 1/10/2024 को थाना किरंदुल की पेट्रोलिंग पार्टी को चोरी के लोहा स्क्रैप को पिकअप वाहन में भरकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल RPF ऑफिस बैरक के सामने मेन रोड किरंदुल के पास पहुंचकर दोपहर करीब 2:30 पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक CG18L8087 मिला, जिसमें लोहे का स्क्रैप करीबन 300 किलो भर कर ले जा रहे थे, जिसके वाहन चालक मनोज नेताम, पिता राजू नेताम, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 8 आम्बरा भाटा दंतेवाड़ा से लोहे का स्क्रैप के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा कबाड़ी एस कुमार, पिता स्वर्गीय सुंदर राज, उम्र 45 वर्ष, निवासी चटाईपारा वार्ड नंबर 15 किरंदुल से लोहे के स्क्रैप को खरीदना बताने से कबाड़ी एस कुमार को तलब कर दोनों से लोहे के स्क्रैप को खरीदी बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया, जो दोनों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताने से थाना किरंदुल में BNSS की धारा 35(1)(ड) एवं BNS की धारा 303(2) के तहत कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक हेमंत कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक के सीमांचल प्र. आर. नरेश मंडल, नरेंद्र भारती, आरक्षक भोजराम ध्रुव, चंद्र प्रकाश नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संजय कुमार सिंह, टी न्यूज़, स्टेट ब्यूरो, छत्तीसगढ़।